So first part is like this part. This is a pickup part. फ्रेंड्स, तो आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं नीले नीले अंबर पर विथ ओरिजिनल गिटारिस्ट सर सुनील कौशिक जी के साथ। तो आइए देखते हैं इस वीडियो पर। मेरे पास वीडियो है ये सर का। तो सर ने इस वीडियो में बहुत कुछ कहा है इस गाने के बारे में कि इसका जो इंट्रो है कैसे प्ले करना और जो सोलो पार्ट है, ठीक है, इसमें हैमर ऑन किया है, पिकिंग अप करना और इसमें 16 नोट प्ले किया है, ठीक है, ये सब के बारे में बहुत कुछ कहा है। तो मैं आपको धीरे से एक्सप्लेन करूँगा कि इसे कैसे प्ले करना है, ठीक है। तो आइए पहले इंट्रो के बारे में जानते हैं कि इंट्रो कहाँ से प्ले करना है, ठीक है, और कैसे प्ले करना है। आइए ये वीडियो देखते हैं सर का। मुझे ये बेसिकली ये क्लासिकल गिटार था। अच्छा, ये क्लासिकल गिटार में मेरा नहीं, अपने भानुदास जी थे ना, जो पंजाब दादियाँ बजाते थे, उनका गिटार था, नायलॉन का गिटार। तो ये मैंने फर्स्ट पोजिशन में बजाया था बिगनिंग का। ओके, तो आप लोगों ने वीडियो पर देखा होगा सर ने कहा है इसे मैंने फर्स्ट पोजीशन से प्ले किया था। मतलब कुछ लोग प्ले करते हैं पोजीशन फिफ्थ से। अब पोजीशन क्या होता है गिटार का, जैसे यहाँ पर सर ने प्ले करके दिखाया है कुछ इस तरह से। ठीक है, पोजीशन किसे कहते हैं, पोजीशन मतलब जो फर्स्ट फ्रेट रहेगा उसे फर्स्ट पोजीशन कहते हैं। आपका फर्स्ट फ्रेट पर आपका फर्स्ट फिंगर होना चाहिए, ठीक है, सेकेंड फ्रेट पर सेकेंड फिंगर, थर्ड फ्रेट पर थर्ड और फोर्थ फ्रेट पर फोर्थ, ठीक है, आपका जो फिंगर है वो ऑर्डर में रहना चाहिए, ठीक है, इसे कहते हैं पोजीशन। और कुछ गिटारिस्ट होते हैं लेकिन वो लोग प्ले करते हैं यहाँ से डी माइनर से सेम जो इंट्रो है, इंट्रो सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है, मतलब यहाँ पर सर ने प्ले किए थे फोर्थ स्ट्रिंग ओपन जो कि डी माइनर का रूट नोट है, डी माइनर या फिर डी मेजर का रूट नोट, ठीक है, ये गाना है जो डी माइनर पर है, रूट नोट है, ठीक है। तो ये सस्टेन में प्ले हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो कीबोर्ड कीज का जो साउंड रहता है उसी तरह ये स्ट्रिंग लो स्ट्रिंग सस्टेन दे रहा है यहाँ पर, मतलब बैकिंग जो एक बैकबोन का काम करता है वो दे रहा है। लेकिन आप सेम ये नोट यहाँ पर प्ले करेंगे, ठीक है, और बाकी का जो नोट प्ले करेंगे वो सस्टेन यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि आपका हाथ जो नीचे रहेगा और नीचे आपको प्ले करना है दूसरा नोट, ठीक है, ऐसे गायब हो जाएगा इसका साउंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब उतना टेस्ट नहीं है यहाँ पर जो ओरिजिनल कॉर्ड सर ने यहाँ पर प्ले किया है, ठीक है। अब यहाँ पर सुनिए, डी स्ट्रिंग का लो स्ट्रिंग का साउंड इतना अच्छे तरह से आ रहा है, ठीक है, और ये मतलब बैकबोन का एक काम कर रहा है, जैसे मैं नीचे का नोट प्ले कर रहा हूँ इसे भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ सादा सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो लोग यहाँ से प्ले करते हैं कुछ लोग, तो आपको प्ले करना है डी माइनर यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन से, ठीक है। इसको सर ने कहा था, मैंने प्ले किया था फर्स्ट पोजीशन से, शायद सर ने देखा होगा कुछ लोग डी फिफ्थ पोजीशन से प्ले कर रहे और जो प्ले कर रहे उसका साउंड अच्छा, मतलब जब एम्प में प्लग करके प्ले करते तो साउंड उसका जो सस्टेन नोट है वो गायब हो जाता है, ठीक है, वो सुना होगा इसलिए कहा होगा मैंने प्ले किया था फर्स्ट पोजीशन से। तो आपको फर्स्ट पोजीशन से लेना है। तो ये एक चीज़ सर ने सिखाया है यहाँ पर, तो हम लोग इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे डी माइनर। अब इस इंट्रो को देखते देखिए फिफ्थ स्ट्रिंग का जो नोट है वो भी सस्टेन में हल्के से जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको डी माइनर का कॉर्ड लेना है। अब सेम यहाँ पर प्ले करेंगे, यहाँ पर हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसके बाद फिर डी माइनर भी लेना है, ठीक है, तो सिक्स स्ट्रिंग को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओपन नोट है, ठीक है,
तो यहाँ पर आराम से हम लोग डी माइनर का कॉर्ड ले सकते हैं। तो आइए इस इंट्रो को फिर से एक बार देखते हैं। आपको प्ले करना है फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, ठीक है, थर्ड फ्रेट, फिर से सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, सेकंड फ्रेट, ठीक है, इस तरह से। फोर्थ स्ट्रिंग को टच नहीं करना है और उसके बाद ये आपको प्ले करना है, पहले तो ओपन थर्ड स्ट्रिंग और सेकंड फ्रेट और फिर से ओपन, ठीक है, और उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट और थर्ड स्ट्रिंग ओपन, फिर से बैक टू फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट और उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, सेकंड फ्रेट और फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन, और उसके बाद आपको यहाँ पर डी माइनर का कॉर्ड लेना है। आप सेकेंड स्ट्रिंग तक प्ले कर सकते हैं, ठीक है, या फिर फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन प्ले कर सकते हैं ऐसे डी सस टू, लेकिन जो ओरिजिनल ट्रैक में सिर्फ सेकेंड स्ट्रिंग तक प्ले किया है, फोर्थ थर्ड और सेकेंड स्ट्रिंग, ओनली थ्री स्ट्रिंग, राइट, इस तरह से। इसको फिर से एक बार देखते हैं, तब जाके नीले नीले अंबर पर, यहाँ पर सी मेजर लेना है, ठीक है, ये आपको प्ले करना है, ठीक है, ये नोट रहेगा आपका सेकेंड स्ट्रिंग, फिफ्थ सिक्स, फिफ्थ सिक्स, फिफ्थ, ठीक है, ना 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 ना, इस तरह से, फिर से ना 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 ना, ये आपको करना है, ना 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 ना। अब ये नोट रहेगा थर्ड स्ट्रिंग फाइव सेवन, सेकंड स्ट्रिंग फाइव सिक्स, ठीक है, और एक बार यहां से फिर प्ले करके डाउन स्लाइड एट में जाना है, सॉरी एट फ्रेट से नीचे जाना है, ठीक है, एट फ्रेट पर एक बार फिर से प्ले करके टेन पर जाना है, ठीक है, और फिर से टेन में एक बार प्ले करके अप स्लाइड एट, एट पर आना है और फिफ्थ स्ट्रिंग पर एक बार प्ले करना है। इसको देखते ना 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 ना, ये यहाँ पर भी प्ले कर सकते हैं और यहाँ पर भी, सिर्फ आपको तीन ही स्ट्रिंग प्ले करना है, पहले तो सिक्स फाइव सेकेंड स्ट्रिंग और फोर्थ थर्ड सेकेंड स्ट्रिंग, यहाँ पर फिफ्थ फोर्थ और थर्ड स्ट्रिंग, ठीक है, और उसके बाद ये प्ले करना है आपको ना 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 ना, ये आपको प्ले करना है सेवन फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग और सेकेंड स्ट्रिंग फाइव सिक्स एट, ठीक है, और फिर से एक बार प्ले करके टेन फ्रेट में डाउन स्लाइड जाना है और उसके बाद फिर से टेन में एक बार प्ले करके फर्स्ट स्ट्रिंग टेन पर प्ले करना है, ठीक है, फिर से देख दे ना 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 ना। अब ये आपको प्ले करना है थर्ड स्ट्रिंग, कैसे भी आप डाउन स्लाइड ले सकते हैं नाइन पर, और उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग एट टेन, फर्स्ट स्ट्रिंग एट टेन, ठीक है, और उसके बाद टेन टू ट्वेल्व डाउन स्लाइड ना 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 ना, ये आपको प्ले करना है थर्ड स्ट्रिंग सेवन और सेकंड स्ट्रिंग सिक्स एट सिक्स एट सिक्स, ठीक है, ना 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 ना। और उसके बाद ये प्ले किया है, ठीक है, और इसके बारे में सर ने क्या कहा, ये कीबोर्ड ने प्ले किया था उस टाइम पर, हम कभी बजाते थे ऐसा कि ये गिटार का पीस नहीं, हाँ, मैं हम लोग सुने थे कि सोचे थे कि ये गिटार का पीस, नहीं, ये कीबोर्ड बजाया, विजु ने खुद बजाया था, ठीक है, ये गिटार में हम इस तरह से प्ले कर सकते हैं, इसको देखते हैं, ये आपको प्ले करना है
पहले तो फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रिट पर लेना है, और फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन, फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, ठीक है। और उसके बाद फिर से सिक्स स्ट्रिंग थर्ड फ्रिट पर प्ले करके डाउन स्लाइड फाइव पर जाने का, और उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रिट और थर्ड स्ट्रिंग ओपन, और उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड सेकेंड और फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड और फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, ठीक है। फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रिट और फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, इसको धीरे से देखते और उसके बाद यहाँ पर आपको कॉर्ड प्ले करना है डी माइनर, सी मेजर, डी फ्लैट, ठीक है। और उसके बाद नीले नीले अंबर पर ना 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 ना। अब ये आपको प्ले करना है, आपको यहाँ पर इजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रिंग एट फ्रेट पर एक ही साथ ऐसे प्रेस करिए, ठीक है। और उसके बाद एट फ्रेट पर सेकेंड स्ट्रिंग प्ले करके टेन पर हैमर ऑन करिए, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले करिए, और उसके बाद फिर से ये रिमूव करके सेकेंड स्ट्रिंग एट पर, फर्स्ट स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग नाइन पर, ठीक है। और इसी तरह आपको सेम फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट पर लीजिए, और यहाँ पर हैमर ऑन करिए सिक्स फ्रेट पर, और फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले करिए, और फिर से सेकेंड स्ट्रिंग फिफ्थ, फर्स्ट स्ट्रिंग फिफ्थ और थर्ड स्ट्रिंग सेवन फ्रेट पर, ठीक है। इसको फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको प्ले करना है। तो आइए जो इसका फर्स्ट का सोलो पार्ट है उसे देखते हैं, सर ने इसे क्या कहा, ठीक है, इसको कैसे प्ले करना है। अब इसके बाद होता है फर्स्ट म्यूजिक। फर्स्ट म्यूजिक ना मैं आपके स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये पीस तो कंपोज कर लिया था, पर उसके बाद इसको मैंने एनालाइज किया कि ये पीस है क्या। पहले कंपोज कर लिया बन गया, फिर एनालाइज किया कि पीस को अगर किसी को बताना हो तो कैसे बताऊं कैसे। तो फर्स्ट पार्ट इज लाइक दिस पार्ट, दिस इज अ पिकअप पार्ट, मतलब ये पिकअप पार्ट है। अच्छा। उसके बाद सेकंड पोर्शन आता है, फिर थर्ड पार्ट, नहीं वो ऐसा नहीं है, देन फोर्थ पार्ट इज दिस थिंग, then last part, okay, तो यहाँ पर सुना होगा ये भी फिर से फर्स्ट पोजिशन से ही प्ले किया है, ठीक है। तो ये आपको प्ले करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर एक खास चीज सर ने बताया है, वो आपको मैं बाद में प्ले करके दिखाऊंगा इसी सोलो पार्ट में, यही सोलो पार्ट में, ठीक है। पहले ऊपर का नोट देखते, ये आपको प्ले करना है फोर्थ स्ट्रिंग से, ठीक है, सेकंड फ्रेट थर्ड फ्रेट ओपन सेकंड थर्ड, ठीक है। इस तरह से प्ले किया है, मैं आपको यहाँ तक दिखाता हूँ। आपको पहले तो फोर्थ स्ट्रिंग ओपन सेकंड फ्रेट थर्ड फ्रेट, ठीक है, और उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग ओपन और सेकंड फ्रेट पर, सॉरी फर्स्ट फ्रेट पर आपको दो बार प्ले करना है, ठीक है। सेकंड टाइम आपको प्ले करके डाउन स्लाइड आना है सेकंड फ्रेट पर, और यहाँ पर दो बार प्ले करना है, ठीक है, और फिर से यहाँ पर दो बार प्ले करके थर्ड फ्रेट पर जाना है, ठीक है। फिर से बैक टू सेकंड फ्रेट फर्स्ट फ्रेट, ठीक है, और उसके बाद फिर से सेकंड फ्रेट पर आके ओपन प्ले करना है, फिर से सेकंड फ्रेट और थर्ड फ्रेट
फोर्थ फ्रेट, और फोर्थ फ्रेट में एक बार प्ले करके फाइव में डाउन स्लाइड जाना है, ठीक है, और फाइव फ्रेट में, फिफ्थ फ्रेट में दो बार प्ले करना है, ठीक है। फिर से एक बार धीरे से देखिए, आप यहाँ पर दो बार प्ले करके फिर से आपको दो बार प्ले करना है, ठीक है, और सिक्स फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, ठीक है, और फिर से फिफ्थ फ्रेट पर दो बार, और उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग सेवन, सेकंड स्ट्रिंग फोर्थ और फिफ्थ, फिर से एक बार दे, अब ऊपर से आते हैं धीरे से, अब खास चीज यहां पर है जो सर ने कहा है कि लोग कुछ इस तरह से भी प्ले करते हैं, और कोई इस तरह से प्ले करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या है, एक बार हैमर ऑन किया है और एक बार फिफ्थ फ्रेट पर पिकिंग किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जो नोट सर ने यहाँ पर प्ले किया है, मतलब इसका साउंड बहुत ही डिफरेंट है, मतलब सुनने में भी मतलब कुछ अलग सा मतलब साउंड आता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर सुन सकते हैं आप। यहाँ पर आपको पिकिंग करना है, हैमर ऑन करके फिर से पिकिंग करना है, हैमर ऑन करके करके फिर से पिकिंग करना है, ये आपको पूरा मतलब एक्सरसाइज है, ये आपको पूरा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, आपको प्ले करना है थर्ड स्ट्रिंग सेवन फ्रेट पर और सेकंड स्ट्रिंग फिफ्थ, और हैमर ऑन करना है, ठीक है, और फिर से आपको फिफ्थ फ्रेट पर पिकिंग करना है, फिर हैमर ऑन, फिर पिकिंग, फिर हैमर ऑन, फिर पिकिंग, ठीक है। तो ये चीज से कुछ लोग प्ले नहीं करते, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे प्ले करते और कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही हार्ड है, बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से, ठीक है, यहाँ पर भी सेम आपको प्ले करना है फिफ्थ फ्रेट पर थर्ड स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट और हैमर ऑन फ्रेट फिफ्थ फ्रेट पर फिर से सेकंड स्ट्रिंग पर पिकिंग इस तरह से, इसे एक ही साथ देखे, और उसके बाद ये आपको प्ले करना है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। डी माइनर का फिंगर पोजिशन ले लीजिए, सिर्फ आधा ही थर्ड सेकंड फर्स्ट स्ट्रिंग और डाउन अप डाउन अप डाउन, और यहाँ पर सी मेजर का थर्ड सेकंड फर्स्ट डाउन अप डाउन अप डाउन, और यहाँ पर बी फ्लैट डाउन अप डाउन, ठीक है, इतना ही। और उसके बाद यहाँ पर रनिंग है, ठीक है। अब ये आपको प्ले करना है थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट थर्ड फ्रेट फिफ्थ फ्रेट, ठीक है, फिर बैक टू थर्ड सेकंड और फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ थर्ड सेकंड, ठीक है, और फिर से थर्ड फिफ्थ थर्ड सेकंड और फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट फोर्थ फ्रेट फिफ्थ फ्रेट, ठीक है, इस तरह से आपको प्ले करना है। इसको देखते हैं एक बार, अब ऊपर से देखते हैं इसको धीरे से, ठीक है, और उसके बाद कीबोर्ड का पीस आएगा, और जो बीच में कॉर्ड यूज हुआ है गाने में कुछ इस तरह से यूज हुआ है, ठीक है, कॉर्ड यूज हुआ है यहाँ पर दो एक्स्ट्रा कॉर्ड, जी माइनर ए मेजर, आपका स्ट्रिंग पैटर्न रहेगा डाउन डाउन अप चक डाउन 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 अप चक डाउन, ठीक है, डाउन डाउन अप चक अप डाउन तो ये आपका स्ट्रमिंग पैटर्न रहेगा। और ये आपको दो बार डी माइनर पर प्ले करना है, सी मेजर पर दो बार, बी फ्लैट मेजर पर दो बार, और जी माइनर पर एक बार, ए मेजर पर एक बार, फिर से एक बार देखिए, ये
ये प्ले करना है, फिर से ना 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 ये प्ले करना है, ठीक है। तो दूसरा जो सेकंड का सोलो पार्ट है उसे देखते हैं। इसमें भी कुछ खास चीज़ें जो सर ने कही है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे प्ले करना है इसको, ठीक है। और इसका फिंगर पोजीशन कहाँ से, क्योंकि ये दो तीन तरीके से प्ले किया है कुछ गिटारिस्ट, तो इसका ओरिजिनल कहाँ से प्ले किया है वो देखते हैं, ठीक है। तो आइए इसको एक बार देखते हैं। अब सेकंड म्यूजिक वो बड़ा मतलब अभी पता नहीं बज पाएगा कि नहीं, बस आप जस्ट दिखाइए कैसे बजाएंगे, ये तो प्रैक्टिस करने के बाद ही होगा ना। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा ये यहाँ से प्ले किया है, ठीक है, सेवन पोजीशन से, ठीक है, फ्रेटबोर्ड सेवन से प्ले किया है और कुछ इस तरह से प्ले किया है, ठीक है, इस तरह से प्ले किया है। कोई गिटारिस्ट इस तरह से प्ले करते हैं, यहाँ पर 16 नोट प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर 16 नोट नहीं प्ले किया, एक ही बार प्ले किया है। ये 12 टाइम प्ले किया है, लाइक 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से प्ले किया। पहले आपको स्पीड प्ले करना है 16 नोट, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद ये प्ले करना है, और इस तरह से प्ले किया है, ठीक है। तो कुछ गिटारिस्ट यहाँ से प्ले करते हैं, से भी प्ले करते हैं, और कुछ गिटारिस्ट यहाँ से प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ओपन नोट रहेगा स्ट्रिंग, ठीक है, ओपन स्ट्रिंग रहेगा, और ओपन स्ट्रिंग जब आप पिकिंग करेंगे तो इसका जो स्ट्रिंग रहता है वो लूज रहता है, ज़्यादातर पिकिंग नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रेस करके प्ले करेंगे तो ये हार्ड रहेगा, जब ओपन प्ले करेंगे तो ये स्ट्रिंग जो है लूज रहता है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब आपको बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जो ओरिजिनल नोट है वो उस मतलब उसका साउंड मैच नहीं होता, क्योंकि ओरिजिनल नोट जो है यहाँ से प्ले किया है इसका साउंड बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है, लो नोट है इसका, मतलब इसमें आपका ट्रेबल आएगा ज़्यादातर। ट्रेबल आएगा ज़्यादा पर, और यहाँ से प्ले करेंगे तो इसका जो बेस नोट है वो आएगा, ठीक है, ये अच्छे से आएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल नोट रहा है यहाँ पर आप, लेकिन आप कहीं से भी आप प्ले कर सकते हैं यहाँ पर और यहाँ से, ठीक है। तो मैं ये तीनों पोजीशन का नोट बता देता हूँ आपको, पहले ओरिजिनल का बता देता हूँ आपको, यहाँ पर प्ले करना है ये जो मैंने कहा है आपको, पहले मतलब 16 नोट है यहाँ पर, और उसके बाद ये आपको 12 टाइम प्ले करना है, और ये प्ले करना है आपको 7 8 9 8 7, ठीक है, और उसके बाद जो फिफ्थ स्ट्रिंग में भी सेम 7 8 10 और 8 7, यहाँ पर भी नीचे भी सेम 7 8 10 8 7 7 8 10 8 7, ठीक है, ये हो गया। फिर से एक बार देखें, और उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट फिंगर है आपको नीचे लेना है, ठीक है, 8 फ्रेट पर पोजीशन यहाँ पर चेंज करना है 7 पोजीशन से 8 पोजीशन, और उसके बाद 10 फ्रेट पर प्ले करना है। इतना प्ले करने के बाद फिर 10 12 10, और उसके बाद 8 10 8, और उसके बाद 9 10 9 7 sorry 5 7 5, थर्ड फ्रेट या 5 3 5 3, ठीक है, और उसके बाद सेकेंड थर्ड, ठीक है, सेकेंड थर्ड सेकेंड, और उसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग 5, फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड, बैक टू फिफ्थ स्ट्रिंग 5, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फिर से फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट थर्ड फ्रेट, और
फिफ्थ फ्रेट फर्स्ट फ्रेट पर आपको प्ले करना है, ठीक है। इसको धीरे से देखते हैं, और यहां पर आपको बी फ्लैट का फिंगर पोजिशन लेना है, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन प्ले करना है, ऊपर ऐसे आपको पिकिंग करना है, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, इस तरह से आपको प्ले करना है। और उसके बाद आपको यहां पर प्ले करना है, क्रोमेटिक है स्केल, ठीक है, ये आपको प्ले करना है। यहां पर कुछ ऐसी चीज है कि मुझे भी पता नहीं था कि यहाँ पर इस तरह से प्ले किया है, ठीक है। आपको प्ले करना है यहाँ पर, पहले तो पर स्ट्रिंग पर नोट फोर टाइम प्ले करना है, लाइक 1 2 3 4, फिर से 7 पर 1 2 3 4, 8 पर 1 2 3 4, लाइक इस तरह से, ठीक है। और ये आपको 6 फ्रेट प्ले करना है, 6 7 8, यहाँ पर 6 स्ट्रिंग, और फिफ्थ स्ट्रिंग पर 5 6 7 8 पर 4 4 टाइम प्ले करना है, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग यहाँ पर फिफ्थ फ्रेट पर एक बार प्ले करना है, ठीक है, 4 टाइम। ये ऊपर से देखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर नोट आपको दो ही बार प्ले करना है, ठीक है, लाइक डाउन अप ओनली ऐसे, ठीक है। या अच्छे से सुनिए, वो ब्रियो में भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। और ये जब प्ले करना है, आपका जो टाइमिंग है वो आपको बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें। कुछ इस तरह से प्ले किया है, ठीक है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप ऐसे प्ले किया, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, पर डी माइनर का कॉर्ड लेके आपको डाउन अप डाउन प्ले करना है, लेकिन बहुत फास्ट, ठीक है, इस तरह से। फिर से एक बार देखिए, यहाँ पर जो नोट यहाँ पर प्ले किया, पहले तो 4 टाइम और बाद में ओनली 2 टाइम्स, राइट। इस तरह से प्ले किया, आप ध्यान से सुनिए, और यहाँ पर ये प्ले करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये नोट है, ये आपको प्रैक्टिस करना है, और ये पोजीशन है मतलब डी माइनर का जो फर्स्ट का इंट्रो, वो प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है, ये प्रैक्टिस करना है। और ये जो नोट है आप यहाँ से प्ले करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लाइक अगर यहाँ से प्ले करेंगे तो जो ओरिजिनल साउंड है गिटार का वो आएगा, यहाँ से प्ले करेंगे तो ज़्यादातर ट्रेबल ही आएगा। यहाँ पे भी प्ले कर सकते हैं, और यहाँ पर यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये प्ले करना है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपको प्ले करना है पहले तो थर्ड स्ट्रिंग और सेकेंड फ्रेट और थर्ड फ्रेट, और उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, और फिर से सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट थर्ड फ्रेट, फिर बैक टू सेकेंड, और उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट, फिर थर्ड फ्रेट, ठीक है। और उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड थर्ड सेकेंड, और यहाँ पर ओपन नोट लेना है, ओपन थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट ओपन, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग ओपन, फिर से फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, और उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड थर्ड फोर्थ, और उसके बाद फिर से ओपन, फोर्थ स्ट्रिंग ओपन सेकेंड फ्रेट ओपन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, फिर से फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, और फिफ्थ स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पर, और यहाँ पर सेम ये आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर भी प्ले कर सकते हैं आप, ये प्ले कर सकते हैं आप फोर्थ स्ट्रिंग 7 8, ठीक है, 7 8, और थर्ड स्ट्रिंग 5, और उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग 5 7 5,
फोर्थ स्ट्रिंग एट, थर्ड स्ट्रिंग फाइव, फिर से फोर्थ स्ट्रिंग एट, ठीक है, और फोर्थ स्ट्रिंग सेवन एट सेवन, और सेम स्ट्रिंग फाइव सेवन फाइव, ये हो गया, और फिफ्थ स्ट्रिंग एट, फोर्थ स्ट्रिंग फाइव, फिर से फिफ्थ स्ट्रिंग एट, और उसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग सेवन एट सेवन, और उसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग फाइव सेवन फाइव, ठीक है, और उसके बाद सिक्स स्ट्रिंग एट, फिफ्थ स्ट्रिंग फाइव, सिक्स स्ट्रिंग एट, और लास्ट नोट सिक्स स्ट्रिंग सिक्स फ्रेट, ठीक है, और यहाँ पर बी फ्लैट का फिंगर पोजिशन लेके आपको ऊपर प्ले करना है, ठीक है, इस तरह से। इसको फिर से देखते हैं, और यहाँ से फिर से ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सर ने सिखाए इस वीडियो में, मतलब आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट पोजीशन से आपको यहाँ पर इंट्रो को लेना है, और ये जो सेकंड का पार्ट है सोलो, फर्स्ट सोलो पार्ट, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ये ओरिजिनल नोट है, ये आपको प्रैक्टिस करना है, और यहाँ पर ये प्रैक्टिस करना है, और यहाँ पर ये प्रैक्टिस करना है, ये आपको प्ले करना है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, और इसके बाद ये प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है, ये प्ले करना है, इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो ये तो था इसका गिटार लेसन सर के साथ, आप वीडियो में देख सकते हैं सर को। ओके, तो लास्ट में मैं नेपाल से एक चैनल है, सर का नाम है, उसे मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उसने ये वीडियो डाला सर सुनील कौशिक जी का, कि अभी तक क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि ये नीले नीले अंबर का सोलो किसने प्ले किया है, इसका गिटार किसने प्ले किया है, तो सर ने ये वीडियो डाला यूट्यूब पर ही, सही हम लोग देख सके सुन सके और कुछ सर से सीख सके, ठीक है। तो इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब थैंक्स देना चाहता हूँ नेपाल सर को, और कौशिक सर को भी अपने इस तरह से, मतलब खुल के बताया यूट्यूब पर कि कैसे प्ले करना है और कहाँ से प्ले करना है, पोजीशन क्या है इस इंट्रो का, ठीक है, तो ये सब सर ने सिखाया है। तो ओके, ये तो था इसका गिटार लेसन, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं हम लोग दूसरे गिटार लेसन पर इसी तरह, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप रॉकिंग, मिलते हैं दूसरे गिटार लेसन पर।